मेरा नाम सीजन है, मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ। मेरे पापा एमएस में काम करते हैं और कल पापा काम करते टाइम करंट लग गया, पापा की डेथ हो गई। मैं आपसे यही मांग करती हूँ कि मेरे पापा का इंसाफ मिले। हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कुलदीप जी को क्या मिलेगा? कुलदीप जी को क्या मिलेगा? केशर क्वार्टर मुर्दाबाद, 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 एमबीएस क्वार्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ डी जी साहब आए, आधे घंटे में कोई ना कोई इंचार्ज आए जो हमको भरोसा दे, नहीं तो हम मृत्यु कम हो जाएगा, हम संस्कार नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आधे घंटे में कोई ऑफिसर आता है जो हमको साथ दे सकता है वो आए, जो खाली हमें बातें बताने के लिए, वो हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ये बच्ची है, हर एक आदमी की बच्ची, रिटर्न में कंप्लेन चाहिए हमको। इस बच्ची को क्या चाहिए? इस बच्ची को क्या चाहिए? भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बोलेगा बोलेगा नाम सीजन है, मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ। मेरे पापा एमएस में काम करते हैं और कल पापा काम करते टाइम करंट लग गया, पापा की डेथ हो गई। मैं आपसे यही मांग करती हूँ कि मेरे करंडी में एक वाक्य हुआ है कि ये लड़का एक स्टेशन हेडक्वार्टर में एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, तो उसकी ये अचानक एमएस में 20 साल से ये काम कर रहा है लड़का, तो ये कंट्रोल बेस में लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता है। अभी तक ये कल की इसकी डेथ हुई है, अभी तक इनका कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया, कोई डिपार्टमेंट का बंदा नहीं आया, तो अभी ये अचानक ये गांव वालों को फोर्स कर रहे हैं कि इसका संस्कार कर दो, हमारे से जो होगा हम कंपनसेशन देंगे। हमें रिटर्न में चाहिए कि इस बच्चे की जो डेथ हुई है, इसकी एक छोटी सी बच्ची रह गई है, इसकी मदर है बच्ची की, वो इसकी मदर है, वो 18 प्लस उम्र की है, उसको कौन, उसका घर परिवार कौन चलाएगा? एक घर परिवार चलाने वाला एक ही बेटा था, तो इसकी डेथ होने के कारण इसके घर का जो दिया था वो बुझ गया है। हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से गुजारिश है कि डिपार्टमेंट इनकी कम से कम कंपनसेशन दिया जाए, इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए और इसकी माता को, इसकी दादी को इंसाफ दिया जाए कि कम से कम इसको चाहे पे स्केल लगा दी जाए, चाहे इसको कोई कंपनसेशन दिया जाए कि जिसके साथ ये बच्ची पढ़ लिख सके और अपने बाप का नाम रोशन कर सके, क्योंकि बाप का साया तो इसके सर से उठ गया है बच्ची के। और ये डिपार्टमेंट की इसलिए नकली जैसी है कि अभी तक डिपार्टमेंट बंदे आते हैं और बोल रहे हैं कि हमारी बात हो गई है घर वालों के साथ, किसी घर वालों के साथ बात नहीं हुई है, किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है, खाली एक ठेकेदार है कोई सांबा का, उसने बोला है कि संस्कार करने के लिए 50,000 डाल दो। ये रूटीन में होता है, 50,000 कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई मरेगा तो उसको सरकारी खजाने से 50,000 दिया जाता है संस्कार करने के लिए, लेकिन उसका घर परिवार कौन चलाएगा? ये पूरी नकली जैसी डिपार्टमेंट की है और नकली जैसी की वजह से इसकी डेथ हुई है, क्योंकि अगर बंदा लाइन रिपेयर कर रहा है तो उसने शट डाउन लिया था, शट डाउन लेने के बावजूद कैसे लाइट चली गई? तो यही हमारी डिमांड है, अगर बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, अगर इनके घर वालों को इंसाफ नहीं मिला, तो हम अभी संस्कार नहीं करेंगे, बॉडी हम इधर रखेंगे, सुबह हम डीसी ऑफिस में बॉडी रखेंगे, तो डिपार्टमेंट को बताएंगे कि इसको इंसाफ दिया जाए, अगर इसको कंपनसेशन नहीं मिला तो हम संस्कार नहीं करेंगे। जय हिंद जय भारत। सर ये मतलब लैंडमैन का काम करता था, इसके एमएस वाले ठेकेदार के थ्रू काम लेते थे, 20 साल से ये काम करता है और शट डाउन लिया था, शट डाउन लेने के बाद ये ऊपर काम कर रहा था, पीछे किसी ने लाइट चला दी। आज तक ये नहीं उन्होंने पूछा कि लाइट किसने चलाई, शट डाउन किसने लिया था और किसने लाइट चलाई है बाद में, अभी तक किसने पूछा? 50,000 देकर बोल रहे हैं संस्कार कर दो, बाद में हम देख लेंगे, क्या देखना बाद में? हम ये चाहते हैं कि छोटी सी बच्ची है, उसका पालन पोषण पढ़ाई कौन करेगा? सब लोग जानते हैं अपनी डेड बॉडी यहाँ पर रखी, शमशान घाट में रखी है। अगर मैंने आधे घंटे का टाइम दिया, अगर कोई मौके का ऑफिसर आता है, आए वो ऑफिसर जो
मौके पर आपको हमको आश्वासन दे कि हम ये कार्रवाई करेंगे, ये आपको मुआवजा देंगे। वो एक जे आ गया, मैंने उसको पूछा तेरे पास कोई पावर है बात करने की, बोला नहीं मैं तो ऐसे संस्कार कराना है। संस्कार कराने का मतलब ये है कि संस्कार करा दो, गरीब लोगों की आवाज को दबा दो, ये कौन सी बात है, हम नहीं दबने देंगे बात। और हम यही चाहते हैं कि इस बच्ची को, उसकी माँ को, जिसके सिर पर छाया उठ गया है, उनको पूरा इंसाफ चाहिए। जब तक ये बच्ची की शादी नहीं होती, जो इसके बाप की पेंशन थी, तनख्वाह थी, वो इस बच्ची को मिलनी चाहिए। जब तक इसकी शादी नहीं होती, सैलरी मिलनी चाहिए, जो बाप को मिलती थी इस बच्ची को मिले, इसके नाम पर मिले, और शादी के लिए खर्चा अलग मिले। बहुत वो जो इसकी सैलरी मिलती थी, बहुत घर का खर्चा होता था, शादी का खर्चा कौन देगा, इसको पढ़ाई का खर्चा कौन देगा।